अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Xiaomi की लेटेस्ट डिवाइस Xiaomi 11T 5G की। Xiaomi 11T 5G के दो वेरिएंट्स हैं, एक 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है जिसको हम अनबॉक्स करेंगे, और इसके साथ ही एक 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ भी वेरियंट अवेलेबल है। प्राइसिंग की यहाँ पर बात करें तो 128GB वाला जो वेरियंट है इसकी प्राइस है 79,000, जबकि 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है 83,000। तो इसको अनबॉक्स करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। कंप्लीट वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सामने की तरफ अगर देखें तो Xiaomi 11T लिखा गया है, 5G कनेक्टिविटी को मेंशन किया गया, इसके अलावा 108 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर कैमरा को यहाँ पर मेंशन किया गया। यहाँ पर जो कलर है हमारे पास मूनलाइट व्हाइट कलर है, और 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो बॉक्स को दोस्तों अनरैप कर लेते हैं जल्दी से। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो एक वारंटी कार्ड आपको मिलता है। तो बॉक्स को यहां से करते हैं ओपन, तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। एक बुकलेट यहां पर दिया गया है Xiaomi की ब्रांडिंग के साथ, तो इसको ओपन कर लेते हैं। यहां पर एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेपर वर्क आपको मिल जाता है Xiaomi की तरफ से, और साथ में आपको मिल जाता है एक सिलिकन केस, ट्रांसपेरेंट सिलिकन केस है कुछ इस डिज़ाइन का। नेक्स्ट दोस्तों आपको मिल जाती है आपकी डिवाइस Xiaomi 11T। इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे, मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक चार्जिंग ब्रिक दी गई है 67 वाट वाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की तरफ लिखा गया 67 वाट। और इसके अलावा आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, और यहाँ पर आपको टाइप सी वाली आई थिंक चार्जिंग केबल मिलती है, तो टाइप सी वाली चार्जिंग केबल यहाँ पर दी गई है। तो हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है Xiaomi 11T के साथ में। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली, इन तमाम चीज़ों को साइड पे कर देते हैं और आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है जनाब Xiaomi 11T, और फ्रंट साइड पर कुछ हाईलाइट फीचर्स को मैंशन किया गया है। 108 मेगापिक्सल कैमरा है, इसके अलावा 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है, डुअल स्पीकर्स हैं, MediaTek Dimensity 1200 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया, 6 नैनोमीटर वाला 5G चिपसेट है। इसके अलावा 67 वाट की आपको टर्बो चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ पर मिल जाती है 5000mAh की बैटरी के साथ में। तो डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर, और इस स्टिकर को भी दोस्तों यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। दोस्तों ये है Xiaomi 11T 5G, मूनलाइट व्हाइट कलर काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है और मैट फिनिश है, बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहाँ पर नहीं लगेंगे। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया। ऊपर की तरफ आपको स्पीकर की आउटपुट दी गई है, एक माइक दिया गया नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए, IR ब्लास्टर आपको मिल जाता है ऊपर की तरफ। इस साइड पर कुछ नहीं दिया गया, नीचे सिम ट्रे है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। फ्रंट साइड पे आपको एक पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है 6.7 इंच का, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। बैक साइड पे आपको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, और नीचे यहाँ पर Xiaomi 5G की ब्रांडिंग दी गई है। तो सिम ट्रे को निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है Xiaomi 11T 5G में। तो सिम ट्रे को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ पर डुअल सिम का आप यूज़ कर सकते हो, सिम 1 और सिम 2 का ऑप्शन है, माइक्रो SD कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं मिलता है इस डिवाइस में। तो जो इसके अंदर आपको इंटरनल स्टोरेज दी गई है 128GB है या 256GB है, उसी पर आपको गुजारा करना पड़ेगा, एक्सटर्नल SD कार्ड यहाँ पर आप नहीं लगा सकते हो। दोस्तों मैं डिवाइस को ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप, और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कम्प्लीटली सेटअप हो चुकी है Xiaomi 11T 5G। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको इसकी फुल ब्राइटनेस दिखा देता हूँ, तो यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस को फुल कर देता हूँ। तो ये इसकी फुल ब्राइटनेस है दोस्तों, काफ़ी कमाल की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ वर्क करता है, क्विकली हमारी डिवाइस जो है अनलॉक हो जाती है। फेस अनलॉक की भी यहाँ पर फैसिलिटी आपको मिल जाती है, फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है और तेज़ी से हमारी डिवाइस जो है अनलॉक हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों 6.67 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिया गया है, 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, फुल HD+ है, 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ, HDR10+ को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो ब्राइटनेस मिलती है वो 800 निट्स टाइप की ब्राइटनेस दी गई है, और पीक ब्राइटनेस की अगर बात करें तो 1000 निट्स टाइप की पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिल जाती है Xiaomi 11T 5G में, और ब्राइटनेस काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी, आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी, किसी किस्म का कोई इशू ब्राइटनेस को लेकर यहाँ पर आपको नहीं आने वाला है। अब दोस्तों वेट चेक कर लेते हैं इस डिवाइस का, वेट कितना है Xiaomi 11T 5G का।
तो यहाँ पर इस डिवाइस का जो वेट है दोस्तों वह है 202 ग्राम। और इसके साथ में दोस्तों आपको एक सिलिकन ट्रांसपेरेंट केस भी मिल जाता है, जिसको मैं इस डिवाइस के ऊपर लगा लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये लगाने के बाद आपकी डिवाइस कैसी लगेगी। तो कुछ इस तरह से स्क्रीन साइड पे भी प्रोटेक्शन आपको दी गई है, तो इस तरह का कुछ आपको लुक मिल जाएगा ये जो सिलिकन केस है लगाने के बाद में। और इसको लगाने के बाद वेट की अगर बात करें तो आपको 223 ग्राम वेट मिलेगा, 202 ग्राम बिना जो है केस के, और ये जो ट्रांसपेरेंट केस इसको लगाने के बाद 223 ग्राम आपको वेट मिल जाएगा इस डिवाइस। यहाँ पर दोस्तों फ्रंट साइड पे गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है, बैक साइड पर भी ग्लास है, और यहाँ पर जो फ्रेम है इस डिवाइस का एलुमिनियम का बनाया गया है, तो काफ़ी प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है और मटेरियल भी यहाँ पर प्रीमियम यूज़ किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कैमरास की, तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, तीन कैमरास यहाँ पर दिए गए हैं। 108 मेगापिक्सल वाला एक्चुअल में 64 मेगापिक्सल है, लेकिन 108 मेगापिक्सल तक की रेजोल्यूशन की आपको जो है इमेज प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस की अगर बात करें तो प्रो ऑप्शन आपको मिल जाता है, वीडियो का ऑप्शन है, फोटो, पोर्ट्रेट और मोर के अंदर आपको नाइट मोड 108 मेगापिक्सल, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, व्लॉग मोड मिल जाता है आपको, एक स्लो मोशन का ऑप्शन है, टाइम लैप्स, मूवी इफेक्ट्स, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल वीडियो और क्लोन के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन की दोस्तों बात करें तो 4K तक 30 FPS के साथ आप वीडियो शूट कर सकते हो, 1080 पिक्सल में 30 और 60 FPS के ऑप्शन है, और 720 पिक्सल में भी 30 FPS के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जूम की अगर बात करें तो 10x तक जो है आप यहाँ पर जूम कर सकते हो, तो यहाँ पर 10x तक के जूम का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी यहाँ पर दिया गया है, तो अल्ट्रा वाइड लेंस का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और अल्ट्रा वाइड लेंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, आज के टाइम पे अल्ट्रा वाइड लेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो आई थिंक कि हर डिवाइस में एक अल्ट्रा वाइड लेंस अच्छे रेजोल्यूशन के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर इस डिवाइस में शाओमी 11T 5G में आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलता है 8 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट क्वालिटी है, डिटेल्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने एक इमेज क्लिक किया है, तो आपको डिटेल्स काफ़ी मज़े की यहाँ पर मिल जाती है। कलर टोन की बात करें तो लुक्स लाइक नेचुरल, बट थोड़ी सी सॉफ्टनेस मुझे यहाँ पर भी फील हो रही है, थोड़ा सा स्किन को जो है इसने भी सॉफ्ट कर दिया, अदरवाइज डिटेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है। तो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है, और फ्रंट कैमरा से आप 720 और 1080 पिक्सल में 30 FPS के साथ जो है वीडियो शूट कर सकते हो। ओके, रियर कैमरा की क्वालिटी दोस्तों अमेजिंग है, यहाँ पर अगर मैं इमेज क्लिक करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग किस्म की क्वालिटी है, और डिटेल्स काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आती हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल को कैप्चर कर पाता है। तो कैमरा वाइज डिवाइस काफ़ी ज़बरदस्त है शाओमी 11T 5G। अब दोस्तों आ जाते हैं एंड्रॉइड की एप्लीकेशन में, और यहाँ पर मैं आपको स्कोर चेक करवा देता हूँ इस डिवाइस का। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों 4,70,000 के करीब स्कोर है, काफ़ी ज़बरदस्त स्कोर है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। यहाँ से मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेज को ये डिवाइस जो है सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 10, मैक्सिमम 10 टचेज को एट अ टाइम ये डिवाइस जो है सपोर्ट कर सकती है। इस डिवाइस में दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिल जाता है। चिपसेट की यहाँ पर बात करें तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 5G चिपसेट लगाया गया, जो कि 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड चिपसेट है, ऑक्टाकोर चिपसेट है, और ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर यहाँ पर यूज किया गया है, अप टू 3 GHz तक की क्लॉक स्पीड आपको प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर दोस्तों 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, और UFS 3.1 की आपको स्टोरेज मिल जाती है, मीन्स के रीड एंड राइट स्पीड काफी कमाल की होने वाली है इस डिवाइस की। 5000 mAh की बड़ी बैटरी यहां पर लगाई गई है, और इसके साथ में जो चार्जिंग स्पीड है वो भी बड़ी आपको दी गई है, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये डिवाइस सपोर्ट करती है। इनका कहना है कि अगर आप 0 से 100% इस डिवाइस को चार्ज करते हो 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, तो ये डिवाइस जो है सिर्फ 36 मिनट्स लेगी 0 से 100% चार्ज होने। दोस्तों ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन तो काफी कमाल की है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर स्पीकर की क्वालिटी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक ऑडियो चला लेते हैं और वॉल्यूम को मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, नीचे और ऊपर दोनों तरफ जो है स्पीकर्स की आउटपुट दी गई है, और साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पर मिल जाती है, बेस की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है।
तो ओवरऑल जो साउंड आपको मिलने वाला है बहुत ही कमाल का यहाँ पर मिलने वाला है। मल्टीमीडिया अगर आप देखते हो तो एमोलेड स्क्रीन के साथ साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, तो मल्टीमीडिया देखने का मजा दुबाला हो जाएगा। अब दोस्तों पबजी मोबाइल के ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, तो पबजी मोबाइल मैंने यहाँ पर चलाया भी है। चलते हैं सेटिंग में और ग्राफिक्स में चलते हैं, तो स्मूथ ग्राफिक्स में आप 90 FPS के साथ जो है गेम खेल सकते हो। इसके अलावा आपको बैलेंस में अल्ट्रा, HD में अल्ट्रा और HDR में भी अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। अल्ट्रा HD और UHD ये दो ऑप्शन नहीं है, और 90 FPS का गेम प्ले आपको यहाँ पर मिलने वाला है। काफ़ी स्मूथ, काफ़ी मज़ेदार गेम प्ले होगा पबजी मोबाइल का। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों जायरोस्कोप को चेक कर लेते हैं। मैं एक मैच स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं जायरोस्कोप यहाँ पर किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर सेटिंग में चलते हैं और यहाँ से मैं जायरोस्कोप को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जायरोस्कोप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, कमाल का आपको जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है जायरोस्कोप में। किसी किस्म का डिले वगैरह का इश्यू यहाँ पर इस डिवाइस में आपको नहीं मिलेगा, तो काफ़ी ज़बरदस्त जायरोस्कोप आपको यहाँ पर मिल रहा है Xiaomi 11T 5G में। दोस्तों ओवरऑल डिवाइस काफ़ी कमाल की है, जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल रही है। लुक वाइज डिवाइस काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग और प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है। कुछ कमियां हैं इस डिवाइस में भी, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं कि कोई भी डिवाइस परफेक्ट नहीं होती, हर डिवाइस में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, तो इसी तरह इस डिवाइस में भी आपको कुछ कमियां मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जो मुझे अच्छी नहीं लगी है, वो है इसमें 120 हर्ट्ज़ का फास्ट रिफ्रेश रेट तो आपको मिलता है, लेकिन उसके साथ में आपको एक ऑटो वाला ऑप्शन नहीं मिलता कि ऑटोमेटिकली जो है स्विच कर जाए 60 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ में आपकी नीड के मुताबिक, तो वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। या तो आप 60 हर्ट्ज़ रख सकते हो या फिर 120 हर्ट्ज़ रख सकते हो। तो यहाँ पर रिफ्रेश रेट में अगर आएँ तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, 60 हर्ट्ज़ का और 120 हर्ट्ज़ का, इन दोनों में से आप एक चूज़ कर सकते हो। ऑटो वाला ऑप्शन लाजमी है, होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक जो है एफिशिएंट हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि आप जो है 120 हर्ट्ज़ का अच्छे से मज़ा नहीं ले पाते हो। 120 हर्ट्ज़ अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो तो आपकी बैटरी बहुत तेज़ी से डिक्रीज होती है, काफ़ी जो है आपको मसले मसाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ 60 हर्ट्ज़ को ही सिलेक्ट करके रखते हैं, तो मज़ा नहीं आता है। ऑटो में क्या होता है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज़ की ज़रूरत है तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश रेट को चेंज कर देता है, और इस तरह से बैटरी भी इतनी ज़्यादा खर्च नहीं होती है और आप 120 हर्ट्ज़ का आप मज़ा भी ले पाते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हायर रेफ्रेश रेट के साथ साथ आपको एक एमोलेड पैनल भी दिया गया है इस डिवाइस के अंदर, लेकिन यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया, जो कि मेरे ख्याल में यहाँ पर इस प्राइस कैटेगरी में आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलना चाहिए था। डिस्प्ले की क्वालिटी अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिस्प्ले है यहाँ पर, ब्राइटनेस काफ़ी कमाल की है और जो कलर्स हैं वो काफ़ी वाइब्रेंट और काफ़ी पॉप होकर यहाँ पर निकल कर आते हैं, बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। अगर आप कोई मल्टीमीडिया वगैरह यहाँ पर देखते हो तो बड़ा मज़ा आता है देखने का, लेकिन कमी यहाँ पर क्या है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों कैमरा की क्वालिटी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है, रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से आप बहुत ही अमेजिंग इमेजेस और वीडियोस ले सकते हो, लेकिन कैमराज में भी एक छोटी सी कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और वो कमी क्या है दोस्तों, वो कमी है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यहाँ पर आपको नहीं दी गई है। यहाँ पर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन तो मिलती है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाली मिलती है, जबकि मेरे ख्याल में इस प्राइस कैटेगरी में जिसमें ये डिवाइस लॉन्च की गई है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लास्ट चीज़ जो मैंने नोटिस किया दोस्तों, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना ज़रूरी समझूंगा, और वो है ये डिवाइस हीट काफ़ी ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू जितना इसको यूज़ किया जा रहा है उस हिसाब से ज़्यादा हीट हो रही है, इतना इसको हीट नहीं होना चाहिए था, जो कि फील भी हो रहा है कि ये डिवाइस गर्म हो रही है। तो इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जा रहा, कोई हैवी टास्क इसके ऊपर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी डिवाइस जो है ऑटोमेटिकली हीट हो रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा साइन नहीं है, ख़ासतौर पर गेमर्स के लिए जिन्होंने गेमिंग करनी है। 90 FPS तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, एक गेमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन 90 FPS के ऊपर जब आप गेम खेलोगे उस टाइम पे जब ये हीट करेगा तो उस टाइम आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी और आप उस टाइम पे सोचोगे यार ये मैंने क्या कर दिया, तो हीटिंग का थोड़ा बहुत यहाँ पर इश्यू आपको होने वाला है। दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग Xiaomi 11T 5G की और मेरा कुछ टूटा फूटा इनिशियल रिव्यू, कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपको मैंने इस डिवाइस के बारे में बताए हैं जो कि मैंने नोटिस किए हैं। आप लोगों का क्या सोचना है इस डिवाइस के बारे में, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।